गाइस मुझे लेजिट बहुत डर लग रहा है। अभी मैं शिल्पा के पास जा रही हूँ और मैं बहुत सुनने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा, लिटरली मम्मी से अलग। इससे तो मुझे लग रहा है बाहर ही निकाल, घर से बाहर ही निकाल देंगे। पैनिक हो रहा है। शिल्पा तो सही उसमें है, कंडीशन में नहीं यार। जल्दी हो क्या, फिर आऊंगी अंदर जा। गाइस हमें अभी 5-10 मिनट और मिल गए हैं। तो शिल्पा नाइट सूट में रहते ना गाइस सब घर में, तो अभी वो बेटर कपड़े पहन गएगी, फिर हम रिएक्शन लेंगे। डर लग रहा है गाइस, काफी डर लग रहा है भाई। मेरी लाइफ का नहीं, काफ़ी टाइम बाद मैंने खुद से ऐसे डिसीजन लिया और मैंने ये हेयर कट कर। लेट्स सी क्या होता है। मेरा दिल धक 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 धक, मैं पिटूंगी, मैं पिटूंगी गाइस, मैं बहुत बुरा सुनूंगी सबसे। हु केयर्स, वन लाइफ। कैमरा लगा तो बाहर क्यों खड़ा है? कुछ फ्लैशलाइट मार दिया ना मेरे बाल। नहीं मुझे नहीं दिख रहे। अबे मेरे बाल यार, वो फिर से मिल के आओ, एक मिनट जा। मुझे तो समझ नहीं आया इसको कैसे नहीं दिख रहे। ओए क्या है, क्या रूपी? बस मूफी, मेरा हेयर कट कैसा लग रहा ब्रो? ये सो के उठी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसको दिख रहा है अब भी। पीछे से अब ऐसे कैसे दिख रहा? गंजी व्हाट गंजी? इतना समझाया था, तेज बोलो आप थोड़ा। इतना समझाया था, मेरा गला भारी हो रहा है अभी। मुझे बहुत दुख है, इसने बाल कटवा लिया, अब मेरा बन नहीं है इधर से बात करनी। अब चेंज होना चाहिए लाइफ में शिल्पा, इतना भी नहीं होना चाहिए। और तूने मेरी टी शर्ट किससे पूछ के पहनी है? टी शर्ट छोड़, ये क्या करवा के आ गई तू पागल? मैंने कल एक घंटे तक फोन पे इसको इतना समझाया भाई, जिसके लॉन्ग हेयर नहीं होते उनसे पूछ, मुझे बहुत दुख है। आज मैंने सुबह पूछी, मम्मी को भी कॉल करके एक आता है इसको कटवाने मत देना बाल, मुझे बहुत अजीब हो गया। तो मेरी बहन नहीं है, पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। अरे तारीफ तो देख, थोड़ा चेंज लगेगा तो सब करेंगे, पर तू इतने बड़े बाल कैसे कटवा सकती? पूरे कहाँ कटवाए, लेंथ तो सेम है मेरी। ये मैंने कहा था ये कट मत करवाइए, तेरे बाल बहुत पतले लगेंगे, और तूने वही काम कर दिया। कितनी सुंदर लग रही थी परसों तरसों तक, और इतने गंदे बालों में जो बनते भी नहीं थे। क्या नहीं बनते थे, बेकार थे वो। अब बहुत सुंदर थे काजल, तू कैसी? तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे बाल बढ़ेंगे ही नहीं लाइफ में। देख पहले से बताऊं एक बात, मैंने जो गलतियां करी है तू मत कर, मैं भी तेरी तरह एक बार ऐसी कटिंग कराने गई थी, बहुत टाइम लगता। मुझे एक सेंस की और लॉजिक की बात बता, कटवा लिए तो बढ़ेंगे नहीं? टाइम लगता है। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या करवा के आई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? आगे से प्रवीण भाभी बन गई है। वो कौन है? एक पुराने जमाने की दिखाई, आगे से कितने छोटे कराए, उठा के दिखाई। हम इनको ऐसे भी कर सकते, तुझे दुख नहीं हुआ? चल बाल है भाई, इससे बड़ी टेंशन है लाइफ में दुख मनाने के लिए और स्ट्रेस लेने के लिए बाल है। कितनी सुंदर लग रही है काजल, बस ऐसे होना चाहिए। मुझे पंप कर, पता नहीं क्या पर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना सबको, बहुत अच्छा। छोटे लग रहे हैं, छोटे तो करवा दूंगी। अब क्या तू हमेशा कर्ल्स रखेगी? अब जैसी वॉश करेगी ना ये ऐसे निकल जाएंगे। ऑब्वियसली ये तो पता ही है, ऐसे नहीं करवाने चाहिए थे ना मेरे, जब स्टार्टिंग से ऐसे ही बाल हैं तो मैं ऐसे ही तो कटवाऊंगी, उनको ऐसे कटवा देती तो खत्म ही हो जाते। अच्छे नहीं लगे, वो भी रो रहा है तेरी बात से। चल चल काम कर अपना, बहुत रिएक्शन हो गया। मैं देखना चाहती हूं मम्मी क्या बोलते, क्योंकि देख मम्मी को दिखा दिया मैंने, अच्छे तो लग रहे हैं। मम्मी को दिखा दिया मैंने, अच्छे तो लग रहे हैं, पर बस लेंथ बहुत कम हो गई है ना, इसलिए थोड़ा अजीब हो रहा है। अभी जब ये स्ट्रेट हो जाएंगे तब पता चलेगा, अभी कर्ल्स हैं तो तब भी छोटे लग रहे हैं कर्ल्स में, स्ट्रेट हो जाएंगे तब लग रहे हैं बहुत छोटे लग रहे हैं।
पूरी लाइफ जूड़ा बना के चोटी बना के निकाल दी थी गाइस। अब चुप रह, तूने कब चोटी और जूड़े बनाए भाई, कितना झूठ बोलती है अपने आप को मूव करने के लिए। आई एम हैप्पी यार, खुश रहना। कोई लॉन्ग हेयर नहीं थे जिसके। एग्जैक्टली हां, तेरे उतने भी कोई लॉन्ग। तभी तो कह रही है दुख क्यों मना रही है। तेरे होने लग रहे थे पर तूने होने से पहले, तूने भी कितनी बार कट करा लिए ना। हां करवाए तो फिर करवा ले भाई, तेरी लाइफ है, सही बात है ना। मुझे अच्छे भी लग रहे हैं और बस दुख भी हो रहा है, ये बात है। चलो गाइस हो गया, बाय। सो गाइज फाइनली मैंने सुन ली है गालियाँ सबसे और मम्मी से भी फोन पे सुन ली है। मम्मी ने कहा घर आने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है वैसे होके, जो सब मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग गुड। और मैं भी तुम सबके कमेंट्स पढ़ रही थी क्योंकि मैंने अभी अपना व्लॉग डाला, तो सबने इतना अप्रिशिएट किया मुझे, कहा जल्दी अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा फील हुआ। फिर मैंने मम्मी से डांट वाट सुन के दाल मखनी और आलू नान खा लिया यहीं पे, और रात को जाऊंगी गाइज, आधी रात को जब मम्मी सो चुकी होगी ना तब जाऊंगी, क्योंकि फिर डांटनी पड़ेगी, सुबह मैं सोती रहूंगी। सारे राइडर यहीं से निकलते हैं मुझे तो लगता है। तो अब हम करने वाले हैं अपना शूट, क्योंकि बहुत दिन हो गए रील्स नहीं बनाई थी मैंने, सो हम वो करेंगे। बाल अच्छे हो रहे तो हम इनका पूरा भरपूर उपयोग करेंगे गाइस। सो लेट्स डू इट गाइस, दिस इज माय थर्ड आउटफिट। इससे पहले मैं दो आउटफिट में शूट कर चुकी हूँ बट मैं ब्लॉग नहीं कर पाई, कर क्या नहीं पाई, मैं भूल गई ब्लॉग करना टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसे था फटाफट कर लेते हैं और मेरा सर फट रहा है यार। सो गाइज फाइनली आई एम होम, और मैंने कहा था जैसे कि तुम्हें कि मुझे घर में एंट्री नहीं मिल रही, तो मिल गई है क्योंकि मैं रात को आई थी और मैंने विवेक को बुलाया था कि प्लीज़ मुझे लेने आ जा भाई, तो हम लोग घर आ गए थे और घर आते मैं सो गई थी बिकॉज आई एम बेट डाउन गाइज, सो आई वॉज नॉट इन अ सिचुएशन टू व्लॉग आगे कॉन्टिन्यू। बाकी मम्मी का रिएक्शन तो मुझे देखते ही सुबह ही निकल गया, जब मैंने व्लॉग ऑन भी नहीं किया मैं सो रही थी, मम्मा आई हवाल कराए हैं ये वो, मम्मी ने गुस्सा किया था पहले कॉल पर, मुझे बहुत सुनाया कहती घर मत आइयो तू बिना पूछे करा के आ गई। मैं कहा अगर मैं पूछती तो फिर मैं करा ही नहीं पाती, मम्मी पॉसिबिलिटीज थी ही नहीं कराने की। और मेरे लिए यार इतना भी कराना मेरे लिए बहुत है, मतलब मेरे घर वालों के लिए बहुत है क्योंकि मेरे बहुत लंबे बाल हैं, अभी बहुत शॉर्ट हो गई है लेंथ, बट ठीक है बढ़ जाएंगे यार अपने घर के कहते, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए गाइज। और मैं तो बोलती हूँ लाइफ में चेंज इज नेसेसरी, कैसा भी चेंज हो, चाहे तुम्हारी फिजिकल अपीयरेंस में हो या तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी में हो, सो चेंज इज वेरी नेसेसरी, सो यू शुड गो फॉर इट। और अगर तुम लोगों को भी हेयर कट कराने गए तुम करा सकते हो बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी टेंशन के, क्योंकि न्यू हेयर जब आ जाते हैं ना तो गर्ल्स का एटीट्यूड अपने आप बढ़ जाता है। और एक बंदे ने ना बहुत अच्छा कमेंट किया था कि इफ़ अ गर्ल कैन कट हर लॉन्ग हेयर देन शी कैन डू एवरीथिंग, ये मैंने पहले भी पढ़ा है कहीं पे पोस्ट में, तो मुझे इतनी हंसी आई, ये बात वैसे सच है क्योंकि लंबे बाल कटवाने के लिए गट्स चाहिए। और कुछ कह रहे थे कि हमने तो बहुत छोटे छोटे भी कराए हैं बाल, मतलब हमारे हिप से नीचे थे हमने उससे ऊपर करा, शोल्डर तक कट करा लिए ये वो, तो गाइस वो तुम्हारा ओपिनियन है भाई, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारे लिए वो बहुत बहुत बड़ा कट है, तुम्हारे लिए बहुत छोटी चीज़ है वो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है इतना भी कराना, सो मेरे लिए है तो है, तो तुम्हें माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो गाइस। बाकी अगर तुम्हें मेरा हेयर कट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं दोबारा पूछ रही हूँ, कल तुमने बहुत अप्रिशिएट किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। और मैंने जो रील्स फोटो सब बनाई है इंस्टाग्राम पे जरूर जाके देख लेना, और मेरा यूजर नेम है काजल द ग्रेट 8। तो बाकी गाइज अब मैं फटाफट से व्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ, फिर मुझे बाहर भी जाना है, तो तब तक के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शपा खैर, बाय। और हाँ गई सॉरी, मुझे इस हेयर कट का नाम नहीं पता क्योंकि ये मैंने और गौरवी ने मिक्स मैच करे हैं, बहुत सारे हेयर कट देखे थे हमने तो उसमें से आधा पार्ट उसका ले लिया, दूसरे का ले लिया, ऐसे करके मैच करे हैं, तो मुझे पता नहीं है गई इस हेयर कट का कोई नाम नहीं है, गॉडफादर के हेयर कट रख सकते हैं इसका नाम। बाकी बस ये बताना था क्योंकि तुम लोग पूछ रहे थे, सो बाय गाइस। सानू नेड़े ला लाया सी गुजी सटियां दिल दे आ मोमे आदतां ने कपियां थोड़े जे आ रूड थोड़े आ रू घंटियां।